देखिए बेटा, आपका यहाँ से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 नाम है इसका, बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बताया भी था कि ये जो थर्ड चैप्टर है, ये इतना वैल्यूएबल कह लो या इतना इंपॉर्टेंट कह लो कि इसकी बेस पे आपका 4, 5, 6, 7 यानी आने वाले चारों जो चैप्टर्स रहेंगे बेटा, वो आपके इस चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है, जिसका मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है फर्स्ट क्लास में, जिसका थर्ड चैप्टर अच्छे से हो गया तो उसका फोर्थ चैप्टर होने में 3 से 4 दिन लगेंगे मुश्किल से। रीजन है कि सारा का सारा फोर्थ चैप्टर ही है, ये उसका बेसिक है सारा का सारा। ठीक है, अब देखो बेसिक कंसर्न ही आ रही होगी, सर जो पहला चैप्टर है वो इतना लेंथी चला, सेकंड चैप्टर जल्दी खत्म हो गया। अब आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो फर्स्ट चैप्टर के जितना लेंथी चलने वाला है, क्योंकि मेन क्या था, मैंने आपको बताया ही था कि बेस बनाने में टाइम लगता है। बेसिक आपका सारा तैयार हो चुका है, अब हमें आगे के चैप्टर्स करने हैं फटाफट से। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किसी में भी नहीं होगा। अब इस चैप्टर का मतलब समझते हैं बेटा। पहले यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब है कि जो ऑलरेडी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी शेयर्स के या उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, कैसे कैसे आता है, अब सबसे पहले ना बेटा इसके लिए हमें पढ़ना है, एक टर्म आता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, किसे बोला जाता है? सर रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है जब किसी भी फर्म को दोबारा से हमें क्या करना पड़े। बेसिकली आपने सुना किसी चीज का रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल का मतलब जैसे आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो पॉलिसी को आप क्या करते हो, दोबारा से रिन्यू करते हो। तो उसी तरीके से क्या होती है, पार्टनरशिप्स भी होती है रिन्यू होती है। रिन्यू किस किस कंडीशन में होती है वो समझने वाली कंडीशन है हमारी। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे आप। यहाँ पे देखिए, ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं और ये तीनों आपस में 1:1:1 में शेयर करते हैं, और बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है आपस में, 90,000 है। कितना है प्रॉफिट हमारा, 90,000 है। ठीक है, अब ये जो 90,000 प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एबीसी पार्टनर्स है तीनों, 90,000 इनका क्या है बेटा शेयर है और तीनों आपस में शेयरिंग करते हैं। तो अगर मैं 1:1:1 की बात करता हूं तो इसके पास भी 30,000 आएंगे, इसके पास भी 30,000 आएंगे और इसके पास भी 30,000 आएंगे, यानी तीनों के हिस्से कितने कितने आए सर, 30,000 ईच आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब रिकंस्टिट्यूशन की कंडीशंस देखते हैं हम, कब कब रिकंस्टिट्यूशन होता है। सर पहला तो ये है पार्ट हमारा, चेंज इन पीएसआर। पीएसआर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज करो इसी एग्जांपल के थ्रू अगर मैं चलता हूं, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये क्या करेंगे बेटा, इक्वली शेयर ना करके कैसे करेंगे, ये 3:2 या ऐसे करते हैं इसको, 2:2:1 में शेयर करेंगे। इन्होंने अपने आप ये डिसाइड किया है कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सब चीजों पे पड़ेगा। सर कैसे पड़ेगा, अब अगर मैं 90,000 को बांटना हूं तो देखो सीधी सी बात है, 90,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 90,000 × 2/16 ठीक है, 16 होता है ये, तो अब हो जाएगा शेयर इनका 32,000, 32,000 और 16,000। प्रॉफिट शेयर चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो इसे ही क्या बोला जाएगा कि फर्म क्या हो गई, अब यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट होगी, यानी दोबारा से इसका क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब अगर एक कंडीशन क्या आती है सर, हमारे पास पहले कितने पार्टनर्स थे सर, 3 पार्टनर्स, अब मैंने एक पार्टनर और ऐड कर लिया, यानी मैंने एक नए पार्टनर को और एडमिट कर लिया अपनी फर्म में, तो अब भी हम इक्वली बांट रहे हैं, लेकिन ये शेयर कितना हो जाएगा, 1:1:1। तो सर पहले कितना कितना आ रहा था, अगर 90,000 को डिवाइड कर रहे थे 30,000, लेकिन जब आप अब करोगे तो ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा लगभग, ये 4×2=8 ठीक है, लगभग ये आएगा आपका 22,000
500। तो अब अगर आप इसे करते हो तो कितना कितना हो गया बेटा, देखो यहाँ 22,500 और अब यहां पे जो चीज समझनी है ये समझना बेटा, देखो जब ये तीन पार्टनर थे तो इनके हिस्से में कितने आ रहे थे, 30,000, 30,000, 30,000। नया पार्टनर आया, नए पार्टनर के आने की वजह से इनका शेयर बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो भैया, ध्यान से सुनना ठीक है। आप मार्केट गए ठीक है, आप वहां से क्या लेके आए, मान लो आपके पास घर के अंदर अभी चार आप आए हुए थे, कजन वगैरह आए हुए थे, तो आप मार्केट जाते हो, आप चार बर्गर लेके आ गए क्योंकि चार जने थे। अब सडनली एक कजन और आ गया, कितने हो गए, पांच हो गए। तो क्या आप सबको चार चार बर्गर मिलेंगे, नहीं सर, उस बर्गर में से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जो ओल्ड कजन्स थे उनका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो किसके पास जाएगा सर, नए कजन के पास जाएगा। तो सेम पार्टनरशिप काम कर रही है, नए पार्टनर के आने की वजह से उसका शेयर हमें देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पुराने वालों का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस टर्म को बोला जाता है अकाउंटिंग में सैक्रिफाइस। तो यानी ओल्ड पार्टनर यहाँ क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और नया पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसको उसका शेयर दिया जा रहा है। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आती है सर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या बीच में ही फर्म से क्या हो जाता है बेटा, वो रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो अब सपोज करो ये एबीसी ही पार्टनर्स थे, लेकिन अब इसमें से ना बी चला गया, तो कितने बच गए, ए और सी। अब इन्होंने इक्वली ही बांटना है, तो 90,000 को भी ये इक्वली बांटेंगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 45,000 ठीक है। अब इसको कजन वाले एग्जांपल से समझ लो, आप भैया मार्केट गए, आप चार बर्गर लेके आए, लेकिन जब तक आप मार्केट से घर वापस आते हो एक कजन जा चुका था, बंदे कितने रह गए, अब तीन। बर्गर कितने हो गए सर, चार, तो एक एक्स्ट्रा बर्गर आ गया ना, तो यानी अब तीन कजन उस एक एक्स्ट्रा बर्गर को और खा सकते हैं, यानी उनका शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम यहाँ पे हुआ, देखो पहले एक को कितना मिल रहा था यहाँ 30,000, अब एक को कितना मिल रहा है यहाँ पे 45,000। तो रिटायरमेंट या डेथ के केस में ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं सर, गेन करते हैं, क्योंकि एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है ठीक है। ये इसका बेसिक टर्म है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू के रूप में कि ये बताओ कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब दोबारा से कब हमें क्रिएट करना होता है, और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ अभी इस वाले चैप्टर के अंदर जो बनेगा वो बनेगा बेटा कौन सा अकाउंट हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या, देखो इसको ऐसे पढ़ो आप, री अलग है, वैल्यूएशन अलग है। रीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज की वैल्यूएशन को दोबारा से करना। ऐसा क्यों करना पड़ा भैया, यहाँ पे इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया हमने, यहाँ पे इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक पार्टनर और आ गया, और यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक पार्टनर और चला गया। तो हर कंडीशन में मेरे को यहाँ को फर्म को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। क्यों, असेट्स लायबिलिटी वगैरह का बटने का तरीका क्या हो जाएगा बेटा, हर जगह पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, सब जगह पे अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ आया ये प्रोसेस, तो इसे बोलते हैं क्या बेटा, हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, यहाँ पे चेंज इन पीएसआर पढ़ाने वाला हूँ। आज का टॉपिक सिर्फ हमारा चेंज इन पीएसआर है, ये आगे के चैप्टर्स है हमारे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, और देखिए बच्चे इधर, इसके बाद बेटा आपकी ना रेशोज आती हैं। अगर मैं रेशो की बात करता हूं यहां, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी हमने समझा सर गेन और सैक्रिफाइस क्या होता है, देखा ना अभी आपने, एक के अंदर गेन करता है, एक के अंदर वो सैक्रिफाइस करता है। इसको निकालने के लिए बुक में दो फॉर्मूलाज हैं, आप एक सिंगल फॉर्मूले पे काम करो। सिंपल सा फॉर्मूला है आपको बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है इसको माइनस करने के बाद, तो आप सेक्रीफाइस करते हो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो आप क्या कर रहे हो उस कंडीशन में, ठीक है। एक ही फॉर्मूला रखो बस यार, ओल्ड माइनस न्यू,
पॉजिटिव में आया आंसर प्लस का आया तो आप सेक्रीफाइस करोगे, नेगेटिव में आया तो आप क्या करोगे यहाँ पे गेन करोगे। अब क्वेश्चन समझो इसके अंदर किस तरीके का है। अभी बेसिक्स अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सपोज करो ए और बी पार्टनर्स हैं और वो 2:1 में क्या करते हैं सर, प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। उन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड करी कि अब हम 2:1 में ना करके किस में करेंगे, इक्वली करेंगे, 1:1 में करेंगे। तो बेटा ये वाली जो रेशियो है ये कौन सी रेशियो हो गई इसकी, ओल्ड। ये वाली जो गिवन है ये क्या हो गई क्वेश्चन के अंदर, न्यू। अब हम पहले निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मैं ए की ओल्ड रेशियो की बात करता हूं तो ये रही बेटा 2:2/3 और न्यू रेशियो कितनी है सर, 1:2। अब इसका आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, 6 आ गया, 2:2 = 4, 3:1 = ठीक है कितना आ गया बेटा ये 1:6। तो ये कौन सा आया है, पॉजिटिव का आया है, तो इसका मतलब ये जो आया है ये क्या कर रहा है सर, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अब दूसरे की निकालते हैं यहाँ पे बी, बी का जो हिस्सा है बेटा वो कितना है 1:3, नया हिस्सा कितना है 1:2, फिर से एलसीएम लिया कितना हो गया 6, 2 - 3 = -1। अब ये क्या कर रहा है सर, यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आता है तो इसको क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे गेन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला आंसर सेक्रीफाइस, नेगेटिव वाला आएगा तो क्या कहलाएगा सर, वो यहाँ पे गेन कहलाता है, क्लियर है। देखिए बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये इसमें कह रखा है कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों कैसे शेयर करते हैं, इक्वली, ठीक है। इसमें हल्का सा ट्विस्ट डाला गया जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये इसमें ये बोलते हैं कि सी विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर। ट्विस्ट क्या आ गया सर, अभी तक सी का अगर मैं हिस्सा देखता हूं कितना है यहां पे 1:3, लेकिन फर्म ने ये डिसाइड किया, कोई भी रीजन हो सकता है, कि अब से सी को हम कितना देंगे 1:5 देंगे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है जब आप उसे 1:5 दोगे तो पूरी फर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, सिस्टम चेंज होगा। लेकिन इसको करने का प्रोसेस क्या है वो यहां पे देख लो, ठीक है। सबसे पहले बेटा लेट टोटल रेशियो इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी समझ लो क्या होता है बेटा, परसेंटेज का सम कितना होता है 100, सर्कल का कितना होता है टोटल डिग्री 360। तो जितनी भी रेशियोज होती है रेशियो का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आता है। रेशियोज का सम कितना होता है हमेशा सर, 1 होता है। तो हमने माना कि मान लो टोटल हिस्सा कितना था, 1 था, ठीक है। सी शेयर, सी का हिस्सा कितना हो गया इसमें अब 1:5, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया कि सी को कितना देंगे सर, अब हम 1:5 देंगे। तो अब अगर देखो यहां पे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं बेटा, टोटल हिस्सा कितना है 1, सी को कितना देना है 1:5। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 1 में से अगर मैं 1:5 माइनस कर दूं, देखो 1 क्या है टोटल, उसमें से सी का हिस्सा कितना है सर 1:5, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा कितना सर 4:5। तो ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है किसका बच गया सर, ये ए और बी का ही तो बच गया, सीधा है ना। अब बटेगा कैसे ए और बी के बीच में, सो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, भाई 4/5 जो है ना ये ए और बी दोनों का है, और ए और बी कैसे शेयर कर रहे हैं आपस में, इक्वली कर रहे हैं। तो बेटा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1:2 दैट बिकम्स 4/10। ऐसे ही बी का न्यू शेयर, अब 4/5 में से 1/2 किसका है सर यहाँ बी का, इसका भी कितना हो गया सर 4/10। सी शेयर हमने अभी देखा ही है कितना है 1:5। अब एक चीज यहाँ पे बेसिक सी की लो, अब आप आगे सारे में काम आएगी ये 1:5। बेटा डिनोमिनेटर जो होता है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सब समझते हो, न्यूमिनेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो डिनोमिनेटर हमें हर क्वेश्चन के अंदर क्या लेके आना होता है, सेम लेके आना है। तो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे भी कितना है 10। तो अगर मेरे को यहाँ
फाइव को टेन लेके आना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सर? टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? टू से। तो अब इसका हिस्सा कितना हो गया? टू बाय टेन। इसका हिस्सा कितना हो जाएगा सर यहाँ? टू बाय। अब अगर मैं रेशो की बात करूं ना, ए रेशो बी रेशो सी, देखो हिस्सा कितना आया। ए का है फोर, बी का भी है फोर, सी का कितना है टू। तो नई रेशो कितनी निकल के आई? फोर इस टू टू। और अगर इसे मैं कट कर देता हूं टू से तो टू इस टू टू इस टू। अब इसमें से अगर मैं सी का शेयर देखता हूं बेटा इंडिविजुअल, तो कितना हो गया? यही तो आना है उसका 1/5, है ना। अब और एक चीज समझ लो सर, अभी आपने रेशो का सम बताया था कितना होता है? 1 होता है। अब देखना यहाँ पे जरा, अगर मैं 4/10 प्लस 4/10 प्लस 2/10 करता हूँ बेटा, तो 10 हो गया आपका यहाँ पे एलसीएम। ऊपर क्या हो गया? 4 + 4 + 2, 10/10 कितना आ गया बेटा ये? यानी रेशोस का सम क्या होगा? हमेशा 1 आएगा। इस क्वेश्चन में नहीं, जितने भी चैप्टर करोगे उसमें सम में 1 में ही आना है हमेशा, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गया क्या है? क्लियर है सबको ये भाई? ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, तीन पार्टनर्स है बेटा, 5:3:2 में केसेस गिवन है आपके पास। केस फर्स्ट, Z takes 1/5 share of from X। देखिए बेटा यहां पे आपके पास रेशियो थी 5:3:2, इसमें कह रखा है कि Z ने 1/5 शेयर और ले लिया, किससे ले लिया? x से। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, x शेयर बेटा 5/10, x शेयर टेकन बाय z, z ने उससे कितना शेयर ले लिया सर? 1/5। देयरफॉर x न्यू शेयर बेटा 5/10 उसके पास था, 1/5 उससे किसने ले लिया? Z ने ले लिया। सॉल्व कर लो इसको, 10 आएगा LCM, 5 - 5 × 2 = 10, कितना हो गया ये? 3/10। तो उसके पास कितना बच गया सर यहाँ पे? 3/10 आ गया यहाँ पे। देखो सीधी सी बात थी, ऐसे समझो इसके पास कि X के पास 10 रुपए थे, Z ने उसमें से 2 रुपए ले लिए, तो सीधा सा क्या करोगे बेटा, x में से 2 रुपए घटा दोगे और z में क्या कर दोगे? उसको जाके प्लस कर दोगे। वही चीज यहां पे भी होनी है। अब जो आपका y है बेटा, y शेयर, क्या y के शेयर में कोई चेंज है? नहीं है सर, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस के अंदर। z का जो शेयर है बेटा वो कितना है? 2/10। x शेयर टेकन बाय जेड, उसने कितना लिया इससे? 1/5। देयरफॉर जेड न्यू शेयर इज इक्वल्स टू बेटा 2/10 उसके पास था, 1/5 उसने और ले लिया, यहां 10 हो गया, 2 + 2 = 4/10, ठीक है। देयरफॉर न्यू रेशियो जो आएगी फर्म की वो कितनी हो जाएगी अब? 3:4। पहले कितनी थी रेशो सर? 5:3:2। अब रेशो कितनी हो गई सर यहाँ पे? 3:3:4 हो जाती है। देखो एक कंडीशन डालने से ही क्या होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपका रेशोस में चेंज आ जाएगा। दूसरे केस में ये बोला है कि z takes 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। अब देखो यहाँ पे केस सेकेंड, Z takes 1/5 share equally from
एक्स एंड वाई, यानी अब वो जो एक बटा पांच इसने पूरा का पूरा अभी किससे लिया था, एक्स से लिया था ना, अब वो किससे ले रहा है बेटा, दोनों से ले रहा है। तो दोनों से लेगा, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, एक्स शेयर, सर एक्स का शेयर कितना है, फाइव बाय एक्स शेयर टेकन बाय जेड। यहां पे बेटा अलग से समझ लो इसको, बेटा वन बाई फाइव है, उसका आधा वो एक्स से लेगा, आधा कितना हो जाएगा बेटा इसका, वन बाय, तो यानी वन बाई टेन वो एक्स से लेगा और वन बाई टेन ही वो किससे लेगा, वाई से लेगा, ठीक है। अब यहां पे लिखो आप वन बाय टेन, देयर फोर एक्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, बेटा पहले कितना था, पांच बटा दस, उसमें से दे कितना दिया, एक बटा दस, कितना बच गया सर, पांच माइनस एक इज इक्वल टू फोर बाय टेन, ठीक है। आगे चलते हैं, वाई शेयर, वाई का शेयर कितना है बेटा अभी, थ्री बाय टेन, वाई शेयर टेकन बाय जेड, इससे भी कितना लिया है बेटा उसने, एक बटा दस ही लिया है ना। तो अब y का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सर पहले था तीन बटा दस, उसमें से एक बटा दस दे दिया, कितना बच गया सर, दो बटा। अब z शेयर कितना था बेटा, टू बाई टेन, शेयर of x and y taken by z, कितना लिया है बेटा, 1 by 10 x का और 1 by 10, तो टोटल कितना लिया है इसने, 2 by, ठीक है, या आप इसे 2 by 10 कह लो या आप इसे क्या कह लो, 1 by 5, तो 2 by 10 ही ले लेते हैं। therefore z new share, बेटा दो बटा दस पहले था, ठीक है, दो बटा दस इसने और ले लिया, कितना हो गया सर। तो अगर बच्चे यहाँ पे मैं न्यू रेशियो की बात करता हूँ अब, तो न्यू रेशियो कितनी आएगी, फोर टू फोर, यानी कि सर फोर रेशो टू रेशो, ये इसकी क्या आ गई बच्चे यहाँ पे, एक न्यू रेशियो निकल के आ गई। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सिक्स सेवन क्लास में आप करते थे, कुछ हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ क्या है कंसंट्रेशन लगा के करना है, जहां पे थोड़ा सा भी मिस कर दोगे एंट्रीज गलत हो जाएंगी आपकी। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रखा उसने, सिंपल ये कहा भैया तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर ने दोनों पार्टनर से इतने पैसे ले लिए, बात खत्म। ऐसा कुछ हार्ड टास्क नहीं करा अभी तक आपने, जो बच्चे कहीं ज्यादा कंसंट्रेशन लगा के बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी पीएचडी वाली पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपका फिफ्थ सिक्स क्लास का यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बच्चे ये, ठीक है। अब दिक्कत किसको आएगी, सिर्फ जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता, एक्चुअल प्रॉब्लम उसी को है, और बहुत सारे होते हैं ट्वेल्थ में, कोई नई बात नहीं है ये, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें ही आप भूल जाते हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका प्रैक्टिस नहीं रहती, तो आप भूल गए, ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक। अब ये देखिए इधर क्वेश्चन यही है अभी भी, कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड फाइव इज टू थ्री इज टू टू में पार्टनर्स हैं। अब ये केस थर्ड कराने जा रहा हूं बच्चे मैं आपको, यहां इसमें ये डिसाइड हुआ कि Z जो है, ठीक है, Z टेक्स वन फिफ्थ शेयर ऑफ X एंड वन सिक्स्थ शेयर ऑफ Y। अब यहां पे जो ट्रिक बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं इसकी वजह से, है छोटी सी। अभी देखो बेटा पिछला क्वेश्चन देखो पहले आप, यहां पे क्या लिखा है, ये टर्म क्या है, फ्रॉम, यहां पे क्या लिखा था, फ्रॉम का मतलब है कि उसके हिस्से में से इतना हिस्सा ले लिया, वर्डिंग सुनना हिंदी में भी, सर उसके हिस्से में से इतना हिस्सा ले लिया, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या होता है, जहां पे भी फॉर्म लगा होगा तो आपने देखा मैंने क्या करा, डायरेक्टली माइनस कर दिया, यहां पे भी फॉर्म था तो मैंने यहां पे भी डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। फ्रॉम का मतलब मैंने उसके पैसे में से इतने पैसे निकाल लिए बस,
अब लेकिन जो मैं केस अब कराने जा रहा हूं, ऑफ, ऑफ का मतलब है मैंने उसके हिस्से का, यानी जितना उसका हिस्सा है उसमें से इतना हिस्सा लूंगा, कैसे ये समझो। एक्स का जो शेयर है बेटा यहां पे वो कितना है, 5/10। एक्स शेयर टेकन बाय जेड, एक्स के 5/10 का वो कितना ले रहा है बच्चे यहां पे, 1/5। ऑफ का मतलब होता है जहां पे भी ऑफ वर्ड दिया होगा वहां पे आपको पहले क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है पहले, यानी वो उसके 5/10 का 1/5 उससे ले रहा है, यानी उसके हिस्से का इतना हिस्सा ले रहा है। तो यहां कितना आ जाएगा बेटा ये, 5/50। तो अब x का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा कि एक्स वाई जेड पार्टनर है 5:3:2 में, जेड टेक 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, इतना हिस्सा उनसे वो ले लेता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स का जो शेयर है वो कितना है बेटा, 5/10। एक्स शेयर टेकन बाय जेड 5/10 का कितना ले रहा है बच्चे वो यहाँ पे, 1/5, कितना हो गया ये, 5/50। देयरफोर एक्स न्यू शेयर, तो एक्स का जो न्यू शेयर होगा बेटा 5/10 उसके पास था, उसमें से 5/50 अब चला गया, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 50। ठीक है, 25 - 5 = 20/5। ठीक है, अब वाई शेयर कितना है सर यहाँ पे, 3/10। वाई शेयर टेकन बाय जेड बेटा 3/10 का 1/6, कितना हो गया ये, 3/60। देयरफोर वाइज न्यू शेयर बेटा 3/10 था, 3/60 चला गया, 60 18 - 3 = 15। ठीक है, जेड का जो शेयर था वो कितना था बेटा, 2/10। शेयर ऑफ एक्स एंड वाई टेकन बाय जेड, बेटा एक्स से उसने कितना हिस्सा लिया है, 5/50, और वाई से उसने कितना हिस्सा लिया है, 3/ अभी हमने किया था एलसीएम कितना आएगा इसका, 300। 50 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 30, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 15, कितना हो गया बेटा ये, 45/300। तो अब आप न्यू रेशियो निकालते हो एक्स वाई और जेड की, तो बेटा एक्स की रेशियो कितनी है यहाँ पे, 20/50, इसकी कितनी है यहाँ पे, 15/60, और इसकी कितनी है सर, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी सर, तो 120/, इसकी किससे होगी सर, 5 से। ठीक है, तो अब अगर हम न्यू रेशियो की बात करते हैं बेटा, वो आती है यहां पे 120:75:45। और अब देखो इसका सम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कितना आएगा सर, लेकिन अब जहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको कट करोगे इससे, 5 से काट सकते हो आप, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 × 2 = 10, 15 × 5 = 75 और 5 × 9। ठीक है, शॉर्ट करते चले जाओ और क्या होता चला जाएगा, बस इतना ही शॉर्ट होगा ये, इससे नीचे अभी जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। अगर इसे 3 से और काटते हैं तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = तो रेशो कितनी आ गई सर अब हमारी, 8:8। ठीक है, 8:5:3 हो गया आपका। ठीक है,
8:5, ठीक है। तो बेटा इसको जितना सिंपलीफाई कर सकते हो कर लो, अगर क्वेश्चन के अंदर आप जितनी बड़ी डिजिट्स लेके चलोगे दिक्कत उसमें भी नहीं है, कैलकुलेशन जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही क्या आती चली जाएंगी आपकी दिक्कत और होगी कैलकुलेशन के अंदर। तो जितना पहले रेशियो को शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करके चलो, उतना ज्यादा बेटर रहेगा बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो होना चाहिए ये 5/50 था ना, 3/60 था, रुक जाओ ठीक है, क्योंकि सर हम यहाँ पे किसका शेयर है ये लाइन लिखनी भूल गए ना, जेड न्यू शेयर भाई 5/50 और ये निकाला था मैंने कितना आया था ये 325 और ये कितना हुआ था 6/15 तो 40/1 50 से करोगे 6 5 30 और ये होगा 15/300 45/ और उसका हिस्सा कितना था पहले 10 की किससे करेंगे 30 60+, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा ये फिर 105, वैसे देखो होगा कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर, 105 कर लेना फिर यहाँ पे काट लेना, ठीक है। सबको कि कैसे